सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दी हम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। पंजाब दे विच जिथे एक पासे जिमनी चोणां नूं लैके सियासत गरमाई हुई है, तो दूसरे ही पासे झोने दे मुद्दे दे उत्ते भी विवाद काफ़ी भखिया होया है। झोने की खरीद नूं लैके एक पासे सरकार नूं किसानां दा गुस्सा झलना पै रहा है, तो दूसरे ही पासे विरोधी धिरां दे वल्लों भी सरकार नूं घेरन दे विच कोई कोर कसर छड्डी नहीं जा रही। और इसे दे चलदिआं प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों भी लगातार अनाज मंडिया का दौरा किया जा रहा है, किसानों के पहुँच बनाई जा रही है और विभाग के अफसर के नाल सीधा राबता बनाया जा रहा है। मौजूदा स्थितियां की ने और सरकार के दावे की ने, उसकी पोल खोलते हुए प्रताप सिंह बाजवा लगातार नजर आ रहे हैं। और अज भी उन्होंने वालों मंडी के पहुँच के एक वीडियो साझी की गई है कि कुछ कह रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा और किहड़े मसलों से अफसर से सरकार दोवों ही निशाने उत्ते लिया गया। आओ सुनते हैं। ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ 14.2 ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 14.2 ਤੱਕ 17 ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 14.2 ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 6-7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆੜ ਤੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ रुकन का चांस हो सकता है कदों खरीदा गे मैनू चलो इन्नी किन्ने दिन सरदार जी ये ढेरी कहती है बोली लाई है बारदाना है नहीं कि पैक नहीं होया ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਈਏ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰੜੇ ਵਧਾਣੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਪਲੋਈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਹੈ बारदाना तो थोड़ी मिले तो किसे भरे जाऊंगी बारदाना जो उधर भी लाए सारे तो ला के गया मैं कहते सारे ला दिया वो बारदाने बारदाना आ नहीं रहा जिदन दे बंदे इत्थे बैठे ने कोई बाल इत्थों चुकिया नहीं गया जगह लानू है नहीं गोदाम कोई खाली है नहीं कसूर कोई नहीं कसूर तो सरकार का भगवंत का कसूर है अपनी सरकार का जिहड़ा 6 महीने पहले काम करना चाहिए सी सुते रहे ने इस तरह जिस तरह ब्याह कल शादी है अज टेंट वाले को तो रोटी वाले को चले जी कल प्रौने का प्रबंध करें मौके से प्रबंध की होना आ हो रहा जी असल गल
दिवाली तो दुआला पंजाब का निकल गया, तुसी कि फेस्टिव माहौल वेखे जी नहीं तो अभी इन्होंने दिनों के आप समुचे पंजाब जाते ट्रालिया ना भरिया हों, दुकाना सारी मिठाइया ना भरिया होंगे सी, बाजार के गहमा गहमी होंगी, ये तो कोई बंदा परिंदा ही है नहीं। 45,000 करोड़ रुपया कली कैश क्रॉप कला झोना पंजाब इसे चो पैसे बचते किसान खलोतियां फसल ने पांच चार दिन तक सारिया किटिया शुरू हो जाए सीधे तौर सेंटर भगवंत इस गल कर मैं कह रहा 1966-67 तो सेंटर जदों की हरी क्रांति आई है सेंटर खरीद कर दी एफसीआई खरीद कर दी हर साल उन्होंने पता कदों गोदाम भरने ने मार्च की शैलिंग होकर गोदाम भर दे ते उस तो बाद जो 6 महीने अगले होंगे 1 अक्तूबर तक जो खरीद होंगी उदों तक सारे पंजाब के गोदाम खाली करने होंगे करने होंगे ने सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हुण खेड यह है ना तो भगवंत 6 महीने च प्रधानमंत्री मिले ना फूड मिनिस्टर मिले प्रहलाद जोशी ना रेलवे मिनिस्टर मिले कोई मूवमेंट इतने हुई नहीं हूं जो झोना मौके से आया उदो पता लगा कि गोदाम जगह कितने नहीं हूं मंडी एड्डी वड्डी है मैं 20-22 किलियां झोनी मिनीम इथों वाली है खूबसूरत मंडी सारे बेहतरीन मंडिया पंजाब दी मैं ये वेख रही बट इस मंडी चो माल चुकया जाएगा तो अगला फ्रैश आएगा जी हूं किसान तो नहीं वड मैं हूने डीसी ने गल की तुहाडे पारे साहब ने मैं क्या कि 90% वह कहता जी साढ़े इधर लेट कटाई होंगी मैं पारे साहब अही भी किसान के मुंडे ही हाँ लेट ता होंगी कि इतों तो झोना चुकया जाए चुके होंगे तो ताजा आएगा ना जी वह तो नहीं कट रहे कि सुटा कि कितने इस तरह ही झोना 5-4 दिन पैड़िया च करना शुरू हो जाना जे कोई बरसात पै गई तो काम ही ओवर हो सौ फीसदी जिहड़ी किसान अंदोलन तुहानूं पता मैं राज्य सभा दा मैंबर सी उदो बीजेपी की लीडरशिप कहती सी जिहड़ी किसानां ने मोर्चा लाया ये किसानां दा मोर्चा नहीं है पंजाब दे आढ़तियां दा मोर्चा हुण ओह समझदे ने इस झोने विच आढ़ती फस गया 50,000 इहदे विच 5,500 शैलरां वाला भी काबू आ गया इहदे विच पंजाबी किसान भी आ गया ते खेत आ जिहड़ी साडी लेबर है भावें बिहार चो आई या यूपी चो आई ते पंजाब चो आई ठेकेदार भी अपने ने आ सारे अपने गरीब लोग अपने इह इक्को वार दे विच कैश क्रॉप कला झोना 45,000 करोड़ साड़ी मार्केट ए क्योंकि सुता सी या तो बेईमान है यह मेरा मनना है कि ना तो मान है ही बेईमान तुसी मेनू अज जवाब दो इतने सारे रामपरे फूल दे खलोते इथो तो MLA किसी ने वेख्या चवीं देना क्यों सरदार जी दसो वेख्या इन्हों का चीफ मिनिस्टर मैं कल धूरी जाके आया संगरूर गया बरनाले गया अजे तक चंगिया दिन च भगवंत मान अपने हल्के च रहा पंजाब की किसी मंडी च आया मैं इन्होंने फूड मिनिस्टर कटारू चक फोन करता रहा फोन बंद हूं इन्होंने मंत्री अमन अरोड़ा कुलदीप धालीवाल ने दलील ये शुरू कर दी कई दिन बाद जी सेंटर वितकला कर रहे इना चर सुते सन जी इन्होंने पंजाब जागरूक क्यों नहीं किया पंजाब के लोगों क्यों नहीं यह गल कही के सानू सेंटर ते खच्चिया के साडे नाल धोखा करन अच्छा दूजी गल PR 126 जेड़ा ए एहो जी वैरायटी भगवंत मान ने कह के भिजवाई है कि 26 बीजो 27 बीजो 28 बीजो 29 बीजो मैं एक एक दाणा चुकू हुण शैलरां वाले कहिंदे ने कि सरदार जी जिहड़ा 100 किलो FCI शैलर वालिआं नूं चावल दिंदी उह 67 किलो उन्हां ने वापसी चौलां दी लैणी ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਜਵਾਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 25 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ 126 ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਿਆ 60 ਤੋਂ 62 ਕਿਲੋ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਦੇ 2325 2320 ਰੁਪਏ ਦੀ
एम एस पी ते 300 रुपया सानू नुकसान हो रहा फी क्विंटल पिच 5 किलो का जो नुकसान है जे 125 मिलियन लख मिलियन टन जो टोटल चावल निकलना जे ओदा हिसाब लाइए तो 6,000 करोड़ बन हुण शैलर वाले कहिंदे या सेंटर को दवाओ जी या पंजाब सरकार दे या जिस तरह यूपी गवर्नमेंट ने 67 किलो की जगह से 64 किलो कहता कि सानू 64 किलो दे दो अहीं लै लें या उत्थे जाके प्राइम मिनिस्टर नूं मिले ये जिहड़ी कमी पेशी है दूर करा के है ते अदरवाइज ये हाथ से सारे दे सारा किसानों नूं लगना सरकारी मंडिया का भोग पाने की कोई इंडायरेक्ट नीति देखो मैं जो समझना सरकार जेडी शांता कुमार इन्हां दा एक्स चीफ मिनिस्टर सी हिमाचल बीजेपी दा उन्हों एक उहदे थले कमेटी बनाई सी उस कमेटी ने रिपोर्ट दित्ती सी कि हुण सेंटर नूं झोना ते कणक पंजाब तो हरियाणे तो खरीदण की लोड़ नहीं सानूं यह फ्री मार्केट कर दित्ती ते एफसीआई नूं वाइंड अप कर दित्ता जे मेरा ख्याल हुण यह बकायदा तर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि 3 वार ना तो सानू इन्हें वोट पाई है ना नाले साडे वास्ते हमेशा समस्या क्रिएट करते ने ते ऐतकी इको वार इन्हां दा काम हो रहा है हुण इहदे विच शैलर वाले भी काबू आ गए ने इहदे विच आढ़ती भी काबू आ गए किसान भी ते लेबर भी आ गई तो मैं समझना मिली भुगत दे नाल अच्छा ये दूजे पासे ये तुहानू पता जिहड़ी दवाई पींदा पी के सुता रहिंदा इहनू ते इस गल दा पता ही नहीं कि पंजाब दा होणा इहदी जिहड़ी ड्यूटी है सी तुहानू पता ही है जी स्टेजा दे उत्ते जिहड़ा ये काम करदा है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਸਾਧਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਝੋਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਗੱਲ हरियाणा जिहदे 1500 शैलर है उन्हां झोना उन्हां को है चावल कढ़न जोगा उन्हां कोल पंजाब वास्ते शैलरां कोई टाइम है नहीं यह कहिंदा मैं बंगाल दे विच या केरला च लैके जाऊंगा केरला है जे 3,500 किलोमीटर ते बंगाल है 2,500 किलोमीटर इहदा किराया कौन देगा इहदी चोरी कौन रोकेगा इहदी शॉर्टेज कौन रोकेगा ये ते मोहम्मद बिन तुगलक वालियां गल्लां इहदे जो इहदे तुसीं अगे भी वेख्या मूंग बजवाती चुकी कहे ने 80% मूंग भी जदों मार्केट च आई सी ओह प्राइवेट व्यापारियां ने एम एस पी तो 1,000 रुपया सस्ती लई सन ओह मानसे च बीजी गई जगराऊ जिले च बीजी गई मूंग दे हुण झोना इन्हें कह के 124 भिजवाया जी पी आर 126 भिजवाया कह के लोगों हुण चुकन नूं दसो अजे तक मंडी च क्यों नहीं आया इहनू जे मंडी च आए तो इहनू पता लगे जी मैं लगातार कई दिनों का कह रहा मैं ऑलमोस्ट समुचा पंजाब घूम रहा अज भी तुहाडे तों बाद इस तों असी निहाल सिंह वाले जाना बागे पुराने जाना मैं मोगे जा रहा मैं धर्मकोट जा रहा मैं खन्ने जा रहा इत्थे भी सारी जगह ते यही हाल है झूठ बोली जांदे इन्हां ते जिहड़े मर्जी मैं चीफ सैकटरी नाल गल कर ली मैं हर डिप्टी कमिश्नर तुहाडे डिप्टी कमिश्नर नाल पिछों पाई रूपे गल की लिफ्टिंग हो रही जी बोरियां भर रहे जी लिफ्टिंग हो रही जी बोरियां भर रहे जी कोई प्रबंध है नहीं झूठ ही बोली जांदे हुण आ छोटे मुलाजम आए असीं इन्हां दा की कसूर कढ सकने इहदे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ते पंजाब गवर्नमेंट अपने लैवल ते कुछ करेगी ते कुछ कर सकणगे देखो मेरी सुनो मैं पार्टी लीडरशिप ने अज दिल्ली गल कर के जे कुछ नहीं करते सानू कोई ना कोई दिल्ली पंजाब वास्ते करना पेगा असी करांगे मैं थोड़ा जा तुहानू याद कराना चाहना 2003 दे विच भाजपाई साहब की सरकार सी कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री तुहाडा दास भी उस मंत्रीमंडल दे विच मिनिस्टर सी सड़कां दा पुलां दा साडे कांगड़ साहब भी उदों एमएलए इंडिपेंडेंट मेरा ख्याल बन के गए सी उस 2002 दे विच
इसे तरह ही प्रॉब्लम आ गई सी फसल की। असी जाके धरना दिता सी प्राइम मिनिस्टर हाउस के घर के बाहर, उस टाइम एक घंटे च उन्हें सानू अंदर सद लिया सी। पंजाब का सारा मसला हल करके अभी शाम नू वापस आ गए। क्यों भगवंत मान अपने लोग लैके अपनी सारी कैबिनेट अपने एमएलए लैके क्यों नहीं अजे धरने से बहिंदा नरेंद्र मोदी के दफ्तर के बाहर? जे पंजाब जे इन्हां दा नहीं रलिया बीजेपी तो जे रलिया ही है तो फिर तुसी आपे वेख लो जदों वाड़ी लग पे फसल नू खाण तो फिर पंजाब दा परमात्मा ही रखा पे। मैं तो इन्नी गल सुनिया कि प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों सरकार नू झोने की खरीद दे मामले दे विच घेरिया गया है और लगातार प्रताप सिंह बाजवा इस मुद्दे नू उभार भी रहे ने। हुण देखना यह होगा कि इस पूरे मामले दे उते आम आदमी पार्टी दे लीडरां दी की प्रतिक्रिया सामने आउंदी है। जो भी अपडेट्स होणगे तुहाडे नाल सांझे करदे रहांगे। तुसी देश विदेश की ताज़ा जानकारी दे लई देखदे रहो टीवी पंजाब।